बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्दी देसी कुकिंग। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ सब्जियों के कबाब। तो गोश्त के कबाब तो बनते रहते हैं, चिकन के कबाब भी बनते हैं, गोश्त के, मटन के। तो आज मैं सब्जियों के बना रही हूँ। तो सब्जियों में मैंने ये चीज़ें ली हैं, खीरा, एक आलू, एक गाजर बड़ी, और ये एक आधी मूली, ये प्याज, और शिमला मिर्च, और धनिया, और हरी मिर्च, और एक अंडा शामिल करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें। और ये मैदा इसमें शामिल करूँगी, मैं बेसन नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं मैदे से शुरू करूँगी। तो बनाना शुरू करते हैं। एक लेते हैं बाउल, उसमें पहले सब्जियां शामिल करते हैं। ये प्याज, शिमला मिर्च, धनिया पुदीना, टमाटर, इसमें पानी किसी का भी नहीं निकालना, पानी के साथ ही इसको करना है। और जितना इसमें मैदा यूज़ होगा, मैदा यूज़ कर लेना है। सारी सब्जियां चली गई। अब एक अंडा, अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। एक चम्मच भर के अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, और एक चम्मच सुर्ख मिर्च, ढाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का, और एक चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच अजवाइन। अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमें हाथ का ही यूज़ करना पड़ेगा, और साथ इसमें मैदा शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी किसी का भी नहीं निकाला, और मैदे ने इसका पानी जो है ना वो जज्ब कर लेना है। आपके फ्रिज में जो सी भी सब्जियां हैं आप उससे बना सकते हैं। इतना मैदा यूज करना है कि ये जो है ना सख्त हो जाए। ये अभी पतली है, अभी थोड़ा सा और मैदा लगेगा। अगर मैं इसमें बेसन डालती तो वो पकौड़ों जैसा उसका टेस्ट आता, इसलिए मैंने मैदे का यूज़ किया। काफ़ी हो गया ठीक। तो एक पैन लिया, उसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ। ऑयल गरम हो के बनाते,
इसमें इसको पलटने में जल्दी नहीं करनी, 3 मिनट 2 मिनट का टाइम देना है इसको, नीचे से सख्त हो जाए फिर इसको पलटना है। ये पहले डाल दिए थे इनको पहले पलट लेते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका, आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है ताकि जले ना अंदर तक, ये कुक हो जाए। गोल्डन हो गए हैं, हम इनको निकाल देंगे। तो नाज़रीन कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ये एक ही बैच मैंने तैयार किया है, बाकी ये कल कर लूँगी क्योंकि जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने फ्राई कर लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यमी हैं, सॉरी। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी, बहुत ही मज़े के हैं, कितने अच्छे बने। तो वीडियो हुई ख़त्म, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।